अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स, इसके सैंडविच बनाऊँगी, ठीक है। साथ में वो मैंने सैलड भी काट लिए, और ये मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो है ना, ये सिर्फ अभी डाली हैं, ठीक है। अब मैं डालूँगी नमक, ठीक है, टीस्पून से कम है, और ये सुरख मिर्च, कुटी हुई मिर्च लाल, और ये है जीरा और सूखा धनिया मिक्स कूटा हुआ, ठीक है जी। ये है काली मिर्च, और ये आधा किलो आलू थे जिनमें से मैंने ये थोड़े से बचाए हैं, और ये उसके अंदर सारी चीज़ें गई हैं, ठीक है। बड़े अच्छे बनते हैं कटलेट्स, ये बड़े अच्छे बनते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि आप बनाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। मैं तो थोड़े दिन तक बना लेती होती हूँ, थोड़े दिन के बाद ना सैंडविच अगर खाने को दिल चाहे वो बना लेती होती हूँ। ज़रूरी नहीं कि बंदा हर दफ़ा मीट वाले ही बनाए कबाब, ये भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये देखें जी, तैयार लुक मैंने कहा आपको दिखा दूँ, बड़ा ही मज़ेदार बना है। मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ, आप भी किसी वक्त बनाएं और इन्जॉय करें। और सैलड में ये था खीरा, टमाटर, और ये जैतून और सैलड का पत्ता। अगर कोई चीज़ बीच में मिस होती भी है तो कोई बात नहीं, बंदा अपनी मर्ज़ी से बना सकता है। और ये है सालसा, और ये है मस्टर्ड पेस्ट, और ये है स्वीट रेलिश। इनमें से जो चीज़ आपके पास है ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अगर ये नहीं होंगी तो बनेगा ही नहीं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।